सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अव्यय यानी अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का अर्थ है वह शब्द जिसमें विकार ना होता हो, वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी अविकारी शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, वे जैसे कि तैसे बने रहते हैं, जैसे यहाँ वहाँ, कल आज, धीरे जल्दी आदि। अव्यय के भेद, अव्यय के चार भेद हैं। नंबर एक क्रिया विशेषण, नंबर दो संबंध बोधक, नंबर तीन समुच्चय बोधक, नंबर चार विस्मय आदि बोधक। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे धीरे धीरे, अंदर बाहर, कल आज आदि। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं, क्रिया विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं, जैसे नंबर एक कालवाचक, नंबर दो स्थानवाचक, नंबर तीन रीतिवाचक, नंबर चार परिमाणवाचक। सबसे पहले पढ़ेंगे कालवाचक। जो शब्द क्रिया के घटित होने की समय की सूचना देते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे माँ रोज मंदिर जाती है। रोज, इससे पता चल रहा है समय कि रोज जाती हैं। हम कल फिल्म देखने जाएंगे, इसमें कल क्या है, कालवाचक। अब है स्थानवाचक। ये क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में सूचना देते हैं, जैसे आप लोग वहाँ मत बैठिए, मेरा घर पास में ही है, अंदर सभा चल रही है। तो इन वाक्यों में वहाँ, पास, अंदर आदि शब्दों से स्थान का बोध हो रहा है, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के घटित होने की रीति संबंधी जानकारी देने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे अचानक उसका पैर फिसल गया। अचानक, पुस्तकालय में धीरे बात करनी चाहिए, धीरे। गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी चलो, जल्दी। तो इन वाक्यों में अचानक, धीरे और जल्दी से कार्य के होने की रीति संबंधी जानकारी प्राप्त हो रही है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का पता चलता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे कम, अधिक, थोड़ा, बहुत, खूब आदि। उदाहरण देखिए, आप बहुत बोलते हैं, बहुत। कल सरला खूब रोई, खूब।
तुम इतना क्यों खाते हो, इतना। तो इन शब्दों से हमें परिमाण यानी मात्रा का पता चलता है, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। धन्यवाद।